वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक हेयर फॉल को लेकर, हेयर ग्रोथ को लेकर, जो वुमेन्स की जो टेंशन रहती है हमेशा की, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस आलमंड हेयर ऑयल के साथ है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को मुझे शेयर करना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और किस चीजों में है। तो ये खाली एक हेयर ऑयल ही नहीं है, बल्कि अमेजिंग बेनिफिट्स हैं इसके आपको हेल्थ को लेकर, स्किन को लेकर। यदि कोई प्रॉब्लम है, स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का एक वन सोल्यूशन है आलमंड हेयर ऑयल। यहां पर मैं किसी ब्रांड का यूज नहीं कर रही हूं, बिकॉज आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ द ब्रांड, बट मैंने दो तीन आलमंड ऑयल यूज कर चुके हैं काफी टाइम पहले। वो मुझे सारे ही अच्छे और बेनिफिट्स लगे हैं उसके। मैंने आपको ये शो किया है बादाम रोगन शीरिंग, ये भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये इन्फेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, उनकी आप मसाज कर सकते हैं, हेयर्स टॉप टू बॉटम आप इससे मसाज कर सकते हैं। इसमें काफी न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं और आपकी हेयर्स, स्किन, इन सब के लिए बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। तो मैं आपसे यही चीज शेयर करना चाह रही हूं, अगर आप अपने हेयर्स में, हेयर फॉल को लेकर, डैंड्रफ को लेकर, स्कैल्प प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा वरीड है, तो आप इस चीज को भी ट्राई कर सकते हैं। और मुझे पता है काफी लेडीज हर एक डिफरेंट पैटर्न में जाना चाहती हैं, अगर उन्हें किसी चीज से सूट नहीं कर रहा है, इससे बेटर, सो व्हाई नॉट दिस। अगर आप इसे भी ट्राई करते हैं तो आप मेरे हेयर को देख रहे हैं जो स्टॉप नहीं हुए हैं, कंटिन्यूस है, और मेरे ये डिलीवरी से पहले से लेके डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी जो हेयर फॉल होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा इसने मुझे बैक रिजल्ट्स दिए हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूं। और हेयर ग्रोथ, अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है उसके बाद आपके हेयर्स नहीं आते हैं, आपके रिटर्न न्यू हेयर्स नहीं आ रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो मुझे इस प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ा है, क्योंकि मेरे हेयर्स कंटिन्यूस अगर झड़े हैं तो आए भी हैं, हेयर फॉल नहीं हुआ इतना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही हो मेरे हेयर ग्रोथ को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, या फिर ऑयलिंग छोड़ देते हैं। प्रॉपर ऑयलिंग बहुत जरूरी होती है, तो हेड मसाज के साथ, जो हमारे हेड और स्कैल्प को बहुत नीड है, इस हेयर ऑयल से आप बेनिफिट जरूर देखेंगे, आई एम श्योर, अगर आप इसे ट्राई करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी हेयर मसाज के साथ। तो सबसे पहले आप इस हेयर ऑयल को हेयर टॉप टू बॉटम लगाएं, एंड हेड में जब आप लगाते हैं तो आप इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट आप मसाज करें, एंड आप इसको ओवरनाइट या 3-4 आवर्स तक, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि 1 डे पहले ही आप इसे लगाएं, ताकि ये आपके बालों को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, स्कैल्प में एब्जॉर्ब कर ले। एंड नेक्स्ट डे आप इसको ऑयल को शैम्पू करने से पहले अपने बालों को रैप करें विथ अ वार्म टॉवल, वेट टॉवल, जिससे आपके हेयर ग्लॉसी शाइनी भी आए। तो ये आप इस तरह से अपने इस हेयर ऑयल को मसाज के बाद यूज करेंगे प्रॉपरली, कंटिन्यूसली, वीक में 2 times अ टाइम। सो आप जरूर इस चेंज को महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने भी किया और मैंने इसको लाइटली लिया था, मुझे पता नहीं था, बट इसके और सारे भी बेनिफिट्स होते हैं, ये मुझे धीरे धीरे पता चला, और आज इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूं। सो इफ यू वांट टू ट्राई, इट इज बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। आप इतनी ब्रांड्स और हेयर ऑयल यूज करते हैं, इससे फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, एटलीस्ट कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। सो एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस, सो आई एम शेयरिंग टू यू। स्किन बेनिफिट्स भी हैं इसके, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्किन बेनिफिट्स में आता है रिड्यूसेस रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स। तो इसको आप फेस पे हल्का सा कॉटन में लेके लगा सकते हैं, इससे आपके आप चेंजेस देखेंगे आपके डार्क सर्कल्स पे। एंड इट इज ऑल्सो अ बेस्ट स्क्रब। आप इसको थोड़े से शुगर में, 1 tablespoon शुगर में ऑयल के साथ मिक्स करके आप इसे एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन को नरिशमेंट तो मिलेगा ही, और ग्लॉसी और आपकी स्किन स्क्रब का भी काम करेगा ये ऑयल,
और काफी आप चेंजेस फील करेंगे. एंड बेस्ट मेकअप रिमूवर, यस ये बेस्ट मेकअप रिमूवर भी अगर आपको यूज करते हैं तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं. और यूज इट इंस्टेड ऑफ एनी हैंड और फूट क्रीम आप इसे यूज कर सकते हैं. जी हाँ, ये बहुत अच्छा मॉइस्चर आपके स्किन को देगा और ऑफकोर्स जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं उससे भी आपको इसको कोई हार्म नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है. इट्स सूटेड टू यू स्किन. और डिलेइंग साइंस ऑफ एजिंग, ये सारे मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये स्किन में भी बेनिफिट्स हैं. फ्रेंड्स, हमारे हम ऑन डेली बेसिस पे जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं, डर्ट पॉल्यूशन का जो फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, उससे हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं जिससे आपके स्कैल्प में स्कैल्प इन्फेक्शन भी होता है और इन्फ्लेमेशन होता है, डैंड्रफ हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप इस हेयर ऑयल को कंटिन्यूस यूज करेंगे तो भी ये बेनिफिशियल आपके लिए होगा. एंड नेक्स्ट टाइम टेलिंग अबाउट यू आफ्टर स्किन कि आप इसको नेल्स पर भी यूज कर सकते हैं. आप कॉटन में लेके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल से आप इसको रब करें डेली नाइट में. इससे आपके स्ट्रांग जो ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं या फिर टूट जाते हैं बहुत जल्दी, उस पर ये काफी इफेक्ट करेगा और आपके नेल्स हेल्दी ग्रो कर सकते हैं. इसमें पोटेशियम एंड जिंक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपके नेल्स हाइड्रेट रहते हैं और स्ट्रांग बनते हैं. एंड डू यू नो दिस ऑयल इज अ नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेचुरल सनस्क्रीन. अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं तो आप इस चीज को ट्राई करें, और अगर आप करते हैं, अगर आपको फिर भी वो सूट नहीं कर रहा है तो आप इसे ट्राई करके एक बार देख सकते हैं. इसमें आपके सन टैन को रिमूव करने की या उस पर एब्जॉर्ब ना करे आपकी स्किन पे इसकी प्रॉपर्टीज पाई गई है. इट हैज एसपीएफ 5 प्रॉपर्टी इन इट एंड फुल ऑफ विटामिन ई विच हेल्प्स टू इम्प्रूव योर सन टैन एंड प्रिवेंट सन टैन. आपको हार्मफुल रेजेस से बचाने की प्रॉपर्टीज है इसमें. So all around it is beneficial for your skin. It has an essential minerals, vitamin E, vitamin A and magnesium, potassium, this kind of properties which help to reduce all your problems of related to your scalp, hair's growth and skin up to everything. So agar aapko meri kisi baat pe doubt लगता है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं. इट इज मेडिकली प्रूवन, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेरी बेनिफिशियल इन ऑल द प्रॉब्लम्स. इसकी अभी मैंने दो बात आपको बताया नहीं है कि एक तो हमारी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है. अगर हम खाने में एलमंड ऑयल का यूज करते हैं, इट इज वेरी कॉस्टली बट इट इज वर्थ इट इफ यू वर्थ इट. सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज ये आपके इन्फेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसके जो बॉडी मसाज होती है बेबीज की, वो भी आप इससे रिकमेंड मैं कर सकती हूँ. ये बहुत अच्छा है. अगर आप बचपन से ही आप ये एलमन ऑयल से हेयर मसाज, बॉडी मसाज बेबी की करेंगे तो बेबी का ग्रोथ, हेयर का लेके अप टू टॉप टू बॉटम, इट्स वेरी गुड फॉर हिम ऑल्सो. And trust me, regular use of this oil changes your top to bottom, aapke hair se leke, skin se leke, up to the nails, hands and feet, aap changes dekhenge. So friends, aap mere is video ko dekhiye and bataiye mujhe aapko kaisa lag raha hai ye video aur isko zarur try karein. So friends, ye mere खुद के अपने ओरिजिनल हेयर्स हैं जिसकी पिक्स मैं आपको विद प्रूफ देना चाहती हूँ कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं. एंड आई डू सपोर्ट इन रेगुलर ऑयलिंग सेशंस एंड थैंकफुली मुझे आलमंड ऑयल मिला. आफ्टर डिलीवरी आल्सो आई हैव नो प्रॉब्लम इन माय हेयर्स एंड आई कंटिन्यूसली यूजिंग दिस
हेयर फॉल्स आते जाते रहते हैं बट आपके हेयर का ग्रो होना जरूरी है। ये हेड मसाज की कुछ पिक्स और कुछ पिक्स मैंने यहाँ पर डाली हैं कि आपको प्रॉपर हेड मसाज की बहुत ज़रूरत होती है। ट्वाइस इन अ वीक आप ऑयल को इस तरह से डैप करके लगाएं हर एक पोर्शन में और इसको कंटिन्यूसली आपको मसाज करें। आपका हेड मसाज होना, इससे आपके हेड को ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी न्यू हेयर ग्रोथ हो सके। तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर टाइम दें। ये आपके स्प्लिट्स एंड के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, इट प्रिवेंट्स स्प्लिट्स एंड टू। और आप इसको टॉप टू बॉटम लगाएं ताकि आपको इस प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आलमंड ऑयल स्पेशली हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस एंड एसेंशियल मिनरल्स दैट रेस्टोर एंड रिविजुनेट द हेयर फॉलिकल्स। सो आपके डेंड्रफ प्रॉब्लम हो या इन्फ्लेमेशन हो, any kind of inflammation in your hair head, so this inflammation can cause an acute case of hair fall or dandruff. तो आप इसका भी ध्यान रखें कि आपको properly hair care करने की ज़रूरत है, steam देने की ज़रूरत है hair को at home। और अब है ये skin की बारी, तो आप skin में आप इसको हल्का सा one drop आप रोज आलमंड ऑयल लगाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स हो या फिर आपको रिंकल्स प्रॉब्लम हो या फिर आपकी स्किन डेड स्किन सेल्स जिसकी वजह से डलनेस आ जाता है हमारे फेस पे, सो यू फील रिफ्रेश एंड यूज इट एज अ स्क्रब मिस्क। मिक्स 1 टेबल स्पून शुगर विद दिस ऑयल एंड 1 टेबल स्पून ऑयल एंड यूज एज अ स्क्रब। ये आपके फेस को बहुत ही नरिशमेंट एंड रिफ्रेशिंग एंड लुक यंगर लुक देगा एक आपके फेस को। यू ऑल्सो यूज़ इट एज अ मेकअप रिमूवर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ मेकअप रिमूवर। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल एंड इफेक्टिवली ओपन अप द पोर्स एंड एंश्योर दैट ऑल द faces of makeup marks are gone. It is very useful in our dark circles, जिससे आपके dark circles भी कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं। तो आप इसे night time में अपने face पे apply कर सकते हैं। So it reduces your dark circle too, and you see results soon. Use it as a foot cream or hand cream instead of any hand cream. Use it as a hand cream or foot cream. ये बहुत soft and आपकी skin को glowy, dryness से बचाएगा। And it is also very effective in your nails. आपके नेल्स अगर ब्रिटल हैं, हार्ड हैं या फिर बहुत टूटते हैं बार बार, यू कैन अप्लाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन योर नेल्स एंड मसाज इट एंड देन लीव इट एट द नाइट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।